सबसे पहले आज मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं हमारी सेना के एक हेड कलर्क साहब की। मेरे उनसे बात हुई है और जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारा सीओ साहब एक हवलदार को पनिशमेंट दे रहा था, लेकिन मैंने सीओ साहब को मना किया कि आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन सीओ बोला कि नहीं, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकॉर्डिंग ही सुनाता हूं कि कैसे इन्होंने सीओ साहब को मजबूर कर दिया कि सीओ को पीछे हटना पड़ा। और एक बात और कहूंगा कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने से हो सकता है हमारे सेना के जो और हेड क्लर्क की ड्यूटी कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन लोगों को या कुछ घटिया सीओ साहब जो अपने जवानों को गलत सजा देते हैं और वो कहते हैं कि मेरी पावर है, मैं जो करूंगा वही करूंगा, वो इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुने, लेकिन हो सकता है कि उन लोगों को मिर्ची भी लग सकती है। पहली लाइन है हेड क्लर्क की जी, वो तो साले पूरे गांडू है कि अंग्रेजी मुझे चाहिए, तो वो जाकर कहते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर ये शब्द नीचे लिख दे कि आई हैव एडवाइज्ड टू माय सीओ बट ही हैज रिफ्यूज्ड टू डू इट, जी जी, वो ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने उसको बोला था कि नहीं, इस गलती के लिए ये सजा नहीं है। अगर वो नीचे लिख करके सीओ साहब के साइन के नीचे लिख देगा कि मैंने एडवाइस किया था और दस्तखत करके दे देगा, सीओ साहब की गांठ फट जाएगी। जी 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 हाँ, और मैंने यही लफ्ज बोला था और सीओ जो है नकर गया, एकदम ये हो गया। वो जज एडवोकेट जनरल से पूछा, जज एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो तुम्हारा हेड क्लर्क बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तुम सजा दोगे तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। जी जी, तो अब सीओ तब से कहा कि नहीं यार ठीक है, जो कहोगे वही मैं करूंगा। मैंने कहा आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इसको ना एक बार मैं ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी और इस रिकॉर्डिंग को हो सकता है हमारे हेड साहब जो आज ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में, एयरफोर्स, नेवी में या कहीं भी, उन सबको कहना चाहता हूं कि आपको अगर इस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मिर्ची लगे तो उस मिर्ची को नहीं लगाना है, बल्कि जैसा इन्होंने काम किया है जवान के लिए, जो इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, उसी तरह आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ। और रैंक के चक्कर में अगर कोई सीओ गलत सजा दे रहा है तो आपके पास पावर है कि आप उसको रोक सकते हो, लेकिन आप अपने जमीर को मारकर उस जवान को खड्डे में डालकर और आप अपनी ऑनरी के चक्कर में जो घटिया काम कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि वो लोग अपना जमीर को जरूर जगाएं। और वो सीओ तो उसका जिक्र भी इस रिकॉर्डिंग में और साहब से आगे की बात की चर्चा भी करते हैं। बहुत से साथी कहते हैं कि हमारा आर्मी एक्ट में क्या प्रावधान है, कौन आपको बड़े पैक की क्या सजा दे सकता है, किसके पास पावर है या नहीं, ये सारी हम इस रिकॉर्डिंग में बातें करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार मेरे को ये वीडियो बनाते बनाते, मतलब मैं शुरू किया था कल, पूरा नहीं बन पाया था, फिर मैंने साहब से बात की, फिर जिस जवान को पनिशमेंट हुई उनके हवलदार को, जेसीओ से, उन सबसे बातें की। हालांकि उनके सीओ साहब अब कह रहे हैं कि जवान जब वापिस आ जाएगा तो, या मेरी क्या क्या बात हुई है वो सब मैं इस रिकॉर्डिंग में बना रहा हूं। और बनाते बनाते जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 30-35 मिनट का ये वीडियो हो गया। तो मेरे बहुत से साथी जो ज्यादा बिजी रहते हैं वीडियो को यहाँ छोड़ देंगे, उनसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को देखकर शेयर जरूर कर देना। जैसे मेरे को 2 दिन लगे तो हो सकता है आज पूरा नहीं देख सकते, तो 2-3 दिन में पूरा जरूर देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात कि जो आदमी चाहता है कि भाई रविंदर फौजी ये लड़ाई लड़ रहा है और वो लड़ाई बिल्कुल सही लड़ रहा है और वो हमारी टीम का मेंबर बनना चाहता है, या जो चाहता है कि सर मैं आपकी इस लड़ाई में आर्थिक सहयोग करना चाहता हूँ, तन मन धन से सहयोग करना चाहता हूँ और मैं जुड़कर रहना चाहता हूँ, चाहे सिविल में पुलिस द्वारा अन्याय अत्याचार हो या अंदर, तो वो साथी अगर मेरे से जुड़ना चाहता है तो ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13 8290-35-45-13। ये मेरा व्हाट्सएप, कॉलिंग, फोन पे और पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें जो आदमी, हाँ कि मैं आपको तन मन धन से साथ हूँ, या मैं तो सर ड्यूटी पर हूँ आ नहीं सकता, लेकिन मैं हर महीने आपको 100, 500 या 1000 जितनी मेरी कैपेसिटी है दूंगा, तो इस नंबर पर डालकर अपना नाम
और एट गांव जरूर लिख दे कि सर मैं इस विभाग से हूँ और मैं इस डिस्ट्रिक्ट का या इस स्टेट का हूँ, मेरा नाम यह है, मैं आपसे जुड़ा हूँ। जो आदमी तन मन धन से मदद नहीं कर सकता कि सर मैं तो गरीब हूँ, मैं आपकी उस तरह कैसे मदद करूँ, वो इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वीडियो आता है उसको शेयर कर दिया करो। वो भी लिख दे मेरे पास नंबर तो कि मैं यहाँ से हूँ, मैं आर्थिक मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मैं आपसे वीडियो को शेयर करूँगा। या वो साथी कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता लेकिन मैं आपके चैनल से सिविलियन को या किसी को भी जोड़ूंगा और आपके चैनल को बढ़ाऊंगा। जो हमारे से साथी जुड़े हुए हैं बहुत कहते हैं कि सर हमारे तो यूनिट में फलाना ढिकड़ा आपके ऊपर बैन है, मेरा नाम आ जाएगा, किसी का नाम कहीं भी, इसलिए हम गोपनीय रखते हैं, किसी का नाम किसी भी हिसाब से नहीं आ सकता। फिर भी अगर किसी का आता है, कोई सीओ आपको मेरे नाम से पनिशमेंट देता है तो सीओ का नंबर एक बार मेरे पास भेज देना, उस सीओ को घसीट कर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना मेरा काम है। अगर हमारे नाम से कोई देता है तो वो एक एडवाइजरी है कि भाई आप रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, उसको उसका साथ मत दो, उससे बात मत करो। और उसका कारण क्या है, मेरी किसी भी अधिकारी से लड़ाई नहीं है, ना कोई मेरा जाति से कोई दुश्मनी है और ना मेरा कोई खेत खलियान ले रहा है। मैं अधिकारी साहब लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई क्या है, सिर्फ और सिर्फ चाहे वो सहायक प्रथा के पीछे हो या इस तरह आप घटिया सोच रखकर किसी जवान को मैक्सिमम सजा देते हो, किसी का 10 नंबर भर देते हो, किसी को सूखा कर भेज रहे हो, ये अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं, हम उनको समाप्त करना चाहते हैं। आप इन चीजों को बंद कर दो, मैं चैनल को बंद कर दूंगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ। और इसी के साथ जहाँ हमारे सिविल में जवान को कोई पुलिस मार रही है, कोई दबंग मार रहे हैं, कोई इनके जमीनों पर कब्जा कर रहा है, सेना के मेजर साहब तक पिट सके हैं, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट तक पिट सके हैं, लेकिन आप लोग चुप बैठे हो, तो कम से कम वहाँ यहाँ नहीं तो वहाँ हमारा साथ दो, हमें मजबूत करोगे तो आपके लिए हम भी हर प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर ढंग से सहयोग करते हो तो हम वो एक टीम भी बना रहे हैं जो ऐसे किसी भी मसले में ग्राउंड पर जाकर तुरंत लटका जवाब लट से दे। लेकिन उसके लिए भैया वॉलेंटियर नाम भी दो कि सर आप जहाँ चलोगे मैं आगे रहूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं आपको पीछे बैठकर वो कमांडर की तरह हुक्म दूंगा, सबसे पहले आगे मैं चलूंगा। फर्स्ट अगर गोली खानी होगी तो रविंद्र फौजी खाएगा, लठ खाने होंगे तो रविंद्र फौजी खाएगा, और लठ मारने होंगे तो भी रविंद्र फौजी पहला लठ मारेगा। यानी पहले आगे मैं हूंगा, मेरे फिर बगल में मेरे बराबर और मेरे पीछे चलने वाले साथी मुझे चाहिए। या हम साथ नहीं चल सकते, तन मन धन से मदद करना कर सकते हैं, वो साथी हमें चाहिए। फिर कहता हूँ वीडियो लंबा है, देखकर शेयर जरूर कर देना। और बहुत से साथी मुझे पता है कि यहाँ हम बात करेंगे तन मन धन की या टीम से जुड़ने की तो वीडियो यहीं छोड़ देंगे, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप मैंने कह दिया और आप दो, मत दो भैया, लेकिन वीडियो जरूर देख लेना, जो आपकी काम की चीज़ है आपको सही लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो वो भी मत करना। ठीक है, कोई भी लड़ाई, रविंद्र फौजी भी कोई बड़ा टाटा बिरला नहीं है, आप ही की तरह जवान से रिटायर्ड हूँ और आज बड़े बड़े लोगों के को ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, और वो ताकत मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो महीने में हमारी 100, 500 या 1000 से जो मदद कर रहे हैं उसी से हम भागा दौड़ करते हैं, उसी से इस चैनल को चला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन उसके लिए भैया आप कहते जरूर हो लाखों लोगों के पास वीडियो जाता है लेकिन मात्र वही 100-150 लोग हर महीने मदद करते हैं। हम सभी उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हम हर वीडियो में इसलिए नंबर देते हैं कि हर वीडियो हर आदमी के पास पहुँचता नहीं है। आप ये तो हम डांट मार देंगे अपने से जूनियर को, ये भी एक सजा हो गई। सजा का प्रकार ये नहीं है कि सजा जो है पैक 01 ही दे या पे फाइन ही दे या उसकी फित्ती उतारे, ऐसा कुछ नहीं है। सजा में जो है डांट हम मार दिए वो भी है। रेप्रिमांड क्या होता है? रेप्रिमांड यही होता है कि आप जो है इस टाइप की गलती ना करें, कठोर चेतावनी आपको दी जा रही है। और क्या होता है उसमें, कोई सजा दी जाती है? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई वो 14 दिन पे फाइन एक्स्ट्रा है ना सजा? हाँ तो है भाई, वो चाहता है उसको सजा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हैं तो सजा का वो हकदार नहीं है, लेकिन अब ये तो गुंडागर्दी है। नहीं, फिर भी अगर बाई चांस कोई सीओ बिल्कुल इलिटरेट जैसा बात कर रहा है कि नहीं जो है, और जो सुबेदार साहब ने कहा वो सही है। अरे कैसे सही है, तुम बड़ी दिए हो, तुम एथराइज किए हो उसको कि सजा दे सकता है?
और वो भी ऑथराइज करने के बाद तब ऑथराइज करोगे जब वो कंपनी कमांडर की ड्यूटी कर रहा है। नहीं, वो सीनियर जेएसओ की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके वहाँ सीनियर जेएसओ इज नथिंग, एसएम साहब नहीं है, मतलब वो वहाँ उनके नहीं, कुछ भी है, वो कुछ भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक पार्ट वन आइटम सीईओ नहीं करेगा, अपना पावर डेलीगेट नहीं करेगा, वो सजा नहीं दे सकता है। जी जी जी। अरे यार, आप अपने बच्चे को 2 रुपए का हक नहीं दिए हो कि 2 रुपए खर्चा कर सकता है, तो साला कैसे जो है 500 रुपए का नोट खर्चा कर दिया। जैन सर। जैन जैन बोलिए। अच्छा, आज एक छोटा सा केस है, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था आपसे। जी। हमारा एक जवान है, उसको क्या 14 दिन का पे फाइन हुआ है। 14 दिन का पे फाइन, ठीक है। और उसके ऊपर एक तो एक्ट कौन सा लगाया हो तभी उसको बताया नहीं, लेकिन जो उसको सजा दी गई है उसको ये बोला गया है कि जो सेकंड आरपी होती है ना, जैसे सुबह वो समूह में आ गया 12 बजे के बाद वाली, हाँ, तो वो बोला उसमें अपसेट था। Absent from duty करके 14 दिन का फाइन दिया गया, तो इसमें 49B में लगा होगा उसको, absent from duty without permission। तो इसमें कितना सजा लागू है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज हमारे एक सेना के जवान की एक कहानी मेरे पास आई है, और ये कहानी बताई है जवान की एक फ्रेंड है, जो कि अभी उनकी शादी होने वाली है, शादी हुई नहीं है। उन्होंने बताया कि सर, मेरे होने वाले हस्बैंड जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, और उनको 14 दिन का पे फाइन कर दिया गया, तो ये क्या सजा है, क्या है, आप मेरे को इस चीज में समझाएंगे। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि एक जवान को 14 दिन का पे फाइन, लगभग 20,000 रुपए उसका काट लिया गया, और जो गलत आरोप उस पर लगाए हैं, गलत इसलिए बता रहा हूं कि मैं आगे आपको कहानी में बताऊंगा कि ये जवान को घुमा फिराकर साजिश के तहत सजा दी गई है, लेकिन आरोप लगाने वाले बंदों ने, इसमें शामिल उनके सीनियर जैसियों और कुछ लोग और हैं, और सजा देने वाले इनके कमान अधिकारी सीओ साहब, जो बगैर सोचे समझे उसको सजा दे चुके हैं। हालांकि अब उनका कहना है कि भाई, आप उनको कहीं फॉरवर्ड में 3 महीने के लिए ड्यूटी भेजा गया है, जो कि 2 महीने हो चुके हैं, और वो जवान बार बार बात कर रहा है कि सर, मेरी सजा का क्या हुआ, क्या हुआ, तो करेंगे तो डाउन आ जा और हम इस पर विचार करेंगे। तो आपको पहले तो यहां ये बता देता हूं कि ये जो सजा दी गई है आरपी से अपसेट की, यानी सेना में जो जवान है, सबको पता है सेकंड आरपी, यानी सुबह जो एक फर्स्ट आरपी होता है 6 से 1 बजे, और फिर दूसरा 1 से 6 बजे तक के लिए, तो इनको पनिशमेंट दिए गए कि आप सेकंड आरपी से अपसेट थे, यानी जो सिविल पॉपुलेशन है उनके लिए मैं बता दूं कि आधा दिन जो ड्यूटी होती है उस पर ये नहीं गए, और उसके लिए इनकी 14 दिन की तनख्वाह काट ली गई। अब यहां आर्मी कानून क्या कहता है, आर्मी एक्ट 1915 क्या कहता है, किस एक्ट के तहत इन्होंने सजा की है। एक होता है मिनिमम पनिशमेंट और एक होता है मैक्सिमम पनिशमेंट। जब कोई जवान पहली बार कोई गलती करता है या उसे अनजाने में गलती होती है, तो उसको मिनिमम पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन यहां इनके सीओ साहब ने जवान की पहली गलती, वो भी गलती नहीं, फंसाया जा रहा है, और फंसाया किस लिए जा रहा है, इस जवान ने अपने सीनियर जैसियो का सहायक जाने से मना किया था कुछ दिन पहले, लेकिन उस बात को छोड़ दिया गया, जवान भी भूल गया, दूसरे बंदे को डिटेल कर दिया गया, एक दूसरा बंदा सीनियर जैसियो साहब का सहायक जा रहा है, लेकिन सीनियर जैसियो साहब के वो बात चुभ गई, और अब सीनियर जैसियो ने इनको फंसाकर सीओ साहब के कान भर के इनको पनिशमेंट दिला दी। लेकिन जिस हिसाब से पनिशमेंट दिलाई है, उस हिसाब में इन महाशय ने मतलब दिमाग यूज नहीं किया, ये तो सीनियर जैसियो, इन्होंने तो दिमाग यूज किया ही नहीं, उधर वो महाशय जो कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि अफसर बहुत मतलब फाइट करके वहां पहुंचा है, कमान अधिकारी पद के पहुंचने के लिए हमें पता है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन
पता नहीं किस तरह के पापड़ बेले हैं कि वहां पहुंचकर जो सजा दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से। इसी सिलसिले में हमारे बहुत से साथी कहते भी हैं कि सर आर्मी एक्ट के बारे में थोड़ा बताओ, क्या प्रावधान है, क्या सजा है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जो कि हमारे एक बहुत ही काबिल और बहादुर हेड क्लर्क की ड्यूटी कर चुके हैं, और एक जमाने में जब एक सीओ साहब उनके किसी को पनिशमेंट दे रहे थे तो इन हेड साहब ने कहा था कि सर इसकी ये गलती है और ये सजा बनती है, लेकिन सीओ बोला कि नहीं, जो करूंगा मैं करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं पता। तब इन्होंने सीओ साहब को बोला था कि ठीक है साहब आप सजा दो, आपका काम है आप, क्योंकि हर सजा के नीचे कहीं ना कहीं आर्मी एक्ट में किसी जमाने में आपको पता है कि ये आर्मी एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ है, 1912 में बना था पहले, और उसको ऐसे कैसे इंप्लीमेंट कर दिया गया 1950 में जब देश आजाद हुआ विदाउट किसी चेंजिंग के, और उस समय 1912 में सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी होते थे और उनको फुल पावर थी कि आप कुछ भी करो, किसी को मारो, किसी को छोड़ो, किसी को निकालो, आपको कुछ कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की गेमनियत थी कि वो कानूनों को जो लिखते थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें दी हुई थी कि जिनके द्वारा आज भी इन लोगों को हम कोर्ट में खड़े कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पावर दी गई है क्योंकि वहां जो रूल लगा दिया 63 और डिसोबे, और सीओ साहब चाहे तो सजा जो नीचे लिखी होती है एज पर कमांडिंग ऑफिसर, यानी वो जैसे चाहे सजा दे सकता है। तो उस समय इन हेड साहब के सामने उसने हेड साहब के मना करने के बाद में सजा दे दी, वो बोला मैं करूंगा जो मेरी पावर है, आप अपना काम कीजिए। तो इन्होंने कहा था ठीक है मैं अपना काम करता हूं, आप मेरे को पनिशमेंट पर साइन करके दे दो और उससे उसके नीचे मैं दो लाइन लिखूंगा, और वो लाइन सिर्फ इतनी लिखी उन्होंने कि एज ए हेड क्लर्क और मैंने सीओ साहब को एडवाइस दी कि इस कानून इस गलती की ये सजा है, लेकिन मेरी एडवाइस पर साहब ने कोई ध्यान नहीं देते हुए अपने तरीके से सजा दी है जिसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। नीचे सीओ साहब के साइन के नीचे दो लाइन लिखकर उन्होंने साइन कर दिया। उन्होंने कहा साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बोले साहब मैं मेरे बचाव के लिए कर रहा हूं, अगर कल कोर्ट जाता है कहीं भी जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब साइड साहब ने ऐसा लिख दिया तो सीओ साहब के भी दिमाग में लगा कि यार लिख रहा है तो एक बार मैं इसकी कहीं क्वारी को क्लियरिफाई कर लूं कि कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो हमारी जो आज ये आर्मी एक्ट की बुक होती है किसी के पास आपको नहीं मिलेगी, या तो प्रत्येक यूनिट में जो हेड क्लर्क साहब होते हैं उनके पास होती है, वो हेड क्लर्क के अलावा कोई दूसरा क्लर्क भी नहीं देख पाता है, और या सीओ साहब या कोई भी जब बात आती तभी वो बुक निकाली जाती है। तो जो अच्छी ड्यूटी करते हैं ग्राउंड में ड्यूटी करते हैं वो जिनको रटी रटाई ये चीजें होती है वो बिना किताब देखे भी बता देते हैं और किताब दिखाकर भी सीओ को कहते हैं ये लो भाई, और वो सारी जो बुकें होती हैं बोलते हैं ना, एक होता है ना जैसे हमारे सियोल में कोर्ट बने हुए हैं एडीजे कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह हमारी भी जितनी रेजिमेंटों की वो लीगल बुक्स जितनी बुक हैं उन सब का बाप कहाँ बैठा है, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में एडजुटेंट जो हमारी लीगल ब्रांच होती है, तो वहां उनका कनेक्शन था, उन्होंने फोन मारा कि ऐसे ऐसे मैं किसी को सजा दे रहा हूं, ये हमारा हेड क्लर्क ऐसे लिख रहा है। तो जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच में जो लीगल हेड बैठते हैं मेजर जनरल, उन्होंने वहां संपर्क किया और वहां उनको बताया गया कि भाई वो जो हेड साहब है आर्मी के अंदर जो भी प्रत्येक यूनिट होती है उसके अंदर जो हेड क्लर्क होता है वो हेड क्लर्क इज ए लीगल एडवाइजर सीओ, मतलब आपका वो एक तरह का लीगल एडवाइजर है और वो किताब पढ़कर वो बता रहा है वो बिल्कुल राइट है, अगर उसने ये लाइन नीचे लिख दी और अगर वो बंदा बाद में कोर्ट गया और वो जीत के आ गया तो तुम्हारा जो प्रमोशन है वो यहीं ठप हो जाएगा, आगे जो ब्रिगेडियर का ख्वाब देख रहे हो वो भी दरार रह जाएगा और उल्टा एक्शन आपके ऊपर आएगा, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। फिर तुरंत सीओ साहब ने वो वापिस मंगाई चार्जशीट
और हेड साहब को बुलाया कि साहब मैंने ऊपर क्लियर किया है, आप जो बोल रहे थे बिल्कुल राइट है, और अब आप बताओ क्या कर सकते हैं। तब जाकर वो किस्सा मैं आपको अलग से, क्योंकि आज मेरे पास भी समय नहीं है, साहब के पास भी नहीं है, अलग से बीच बीच में मेरे को कई बार याद भी आता है, लेकिन कहीं साहब बिजी हो जाते हैं, कहीं मैं बिजी हो जाता हूँ। बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि आर्मी एक्ट के बारे में या छोटी छोटी चीजों के बारे में बताओ, तो दो चार पॉइंट मैं आज बता रहा हूँ और भविष्य में फिर बात करेंगे। उसमें किसी हवलदार जी की गलती पर सीओ साहब उनको घर भेजने की तैयारी कर रहे थे जीसीएम बैठाकर, और जब ऊपर बात चली, कहानी सामने आई, तब जाकर इन्होंने बताया कि क्या कर सकते हो। तब उन्होंने बताया कि अगर आपको पनिशमेंट ही देनी है तो इनका रैंक रिड्यूस करके आप नायक बनाकर इनको पनिशमेंट देकर आप इनको ज्यादा से ज्यादा पेंशन जो कि इनकी पकी हुई है भेज दो, और फिर उसकी नौकरी से उनको मतलब रैंक रिड्यूस करके और उनको उसी समय पेंशन भेजा गया, जिसका कि ये जीसीएम करके घर भेजने वाले थे। वो कहानी मैं आपको अलग बताऊंगा, कहानी आज की थी जो मैं इस जवान की कहानी के ऊपर आ रहा था वो यही था कि ये जवान कुछ दिन पहले, इनके जो जेशियो साहब है सीनियर जेशियो, उन्होंने इसको साइकिल ही बोला था। तो हालांकि जवान ने बताया कि सर हमारे वॉलंटियर बहुत हैं, जिनको काम नहीं आता वो यही चीज ढूंढते हैं, जो हमारे बहुत से जवान भी बोलते हैं, हमारे अधिकारी भी बोलते हैं कि तेरे खुद के जवान डोलू उठाने के लिए तैयार है, कच्चा धोने के लिए तैयार है, तो हम क्या करें। लेकिन मैं वहां भी कहता हूं कि ये जवानों की वर्दी पर दाग है, जो कि किसी जमाने में लालू जी ने बोल दिया था, भारत की आधी फौज कुत्ता घुमारी है, पाकिस्तान से बोला जाता है, और उस दाग को धोने के लिए ही मेरा ये चैनल मैंने शुरू में स्टार्ट किया था। मेरी लड़ाई यहीं से थी, सहायक प्रथा की लड़ाई, ये जो तानाशाही करते हैं, काले अंग्रेजों के काले कानून है उनमें बदलाव हो, इन चीज की लड़ाई को लेकर ही मैं ये चैनल खोला था, और इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी तक गया था, आप सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मैं आप लोगों का मेरे को साथ नहीं मिला किसी ने, हाँ सर आगे बढ़ो ये कर देंगे फलाना कर देंगे, लेकिन वहाँ बड़े से बड़े वकीलों की जब फीस पहुंची, कोई 5 लाख कोई 10 लाख, तो भाई रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं था, रविंद्र फौजी ने नॉर्मल वकील किया था। दूसरा जो तारीख उसकी टेंटेटिव डेट मिलती रही, और एक जमाने में आपको याद है सरकार के एक खास वकील जो अमित शाह के जाने माने यूवी ललित जी 74 दिन के लिए बैठे थे, और उस समय बहुत से ऐसे केस जो सरकार के खिलाफ थे वो बर्खास्त करे गए, टिल किए गए, मतलब उनको खारिज कर दिया गया। उसी में हमारा केस भी यूवी ललित जी ने मेरे को वकील के थ्रू मैसेज आया था कि वो बोल रहे हैं कि केस वापिस लो क्योंकि आप अभी प्रेजेंट नहीं हो। तो मैंने कहा था मैं वापस नहीं लूंगा, जब मेरे साथ बीतता है, जब आप बहुत से केसों में 20 साल बाद में आसाराम जी आज तक जेल से नहीं छूटे, राम रहीम जी, और ऐसे केस हैं जिनमें 20-20 साल में रिपोर्ट लगती है, तब भी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है और पनिशमेंट मिलती है, तो मेरे केस में क्यों नहीं, जबकि मैं चश्मदीप गवाह हूं, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मैं लड़ूंगा इस वक्त। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करोगे तो हम खारिज कर देंगे। मैं बोला आप करो, आप खारिज करोगे तो हम दोबारा लगा सकते हैं। तो वो केस उस समय का यूवी ललित जी ने खारिज किया था, और मैंने सोचा था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चंद्रचूड़ सिंह जी लगेंगे, लगने वाले थे जबकि बात है, तब मैं इसको दोबारा फाइल करूंगा। उस बीच में अग्निवीर योजना आ गई, अब सबको पता है मैं इसके लिए भी लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, कोई किसी ने साथ नहीं दिया। सहायक प्रथा के लिए भी मैंने बोला कि भाई साथ दो, हम इसको ले जाएंगे, लेकिन बस जयकारा हम आपके साथ है फलाना, लेकिन साथ की बात आती है तो साथ कोई नहीं देता। मैंने उस समय भी नंबर दिए थे, आज भी अगर आपको लगता है तो हम दोबारा इसका रिव्यू डाल सकते हैं। अभी कुछ प्रेजेंट जवान भी जो कह रहे हैं हम जा सकते हैं, लेकिन वही बात है तन मन धन की बात आती है तो कोई देता नहीं है। अगर आपको लगता है तो यही मेरा नंबर 8290-35-45-13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप अगर सहयोग करते हो मेरे पास, अगर अगले महीने में सहयोग आता है तो हम इसको कोर्ट में डाल सकते हैं। और बाकी वही हमारे 10-20 साथी हैं, 50 साथी हैं जो देते हैं मैंने 2 महीने में, जिनके लिए हम ये छोटे मोटे कहीं आंदोलन कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, ये चैनल को चला रहे हैं, तो उसमें तो वही हो सकता है। इन चीजों के लिए आप मान सकते हो कितना सहयोग मिले तो हम बड़े तरीके से कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। आपको लगता है तो सहयोग दो, नहीं तो जिस हिसाब से रविंद्र फौजी लड़ रहा है लड़ता रहेगा। बाकी फिर मेरे को दोष नहीं दे, बहुत से लोग लिखते हैं उस केस का क्या हुआ, जयपुर वाले का क्या हुआ, जयपुर वाले में हमने बहुत कोशिश की, ग्राउंड में आने के लिए भी तैयार नहीं, सहयोग के लिए भी तैयार नहीं, तो रविंद्र फौजी बगैर बोलते ना बगैर तन मन धन से कोई धरने नहीं चलते हैं। और जब तन मन धन हो तो सारा भीड़
कहां से आती है, कहां जाती है और क्या होता है सबको पता है। हमारा कोई टाटा बिड़ला है बड़ा आदमी हमारा साथ देता नहीं है, हमारे खुद के अधिकारी तक देने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि लो रविंदर जी इन मामलों के लिए आप लड़ो, हम आपका सपोर्ट करते हैं, कोई भी तैयार नहीं है। दूसरों को क्या कहें, जब हमारे इतने लोग हैं वो ही साथ नहीं आ रहे तो दूसरों को हम क्यों दोष दें। ठीक है, मैटर अलग है, मैं आपको आगे की कहानी बता देता हूं। जवान ने सहायक जाने के लिए मना किया, उस समय इस चीज को कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन बाद अब पिछले महीने की बात है, उसको सोच रहे थे कि कहां फंसाएंगे कहां फंसाएंगे, और ऐसे करते करते ही उसको रोज, मतलब अलग से कंपनी कहीं काम कर रही है उसको अलग से डिटेल, तो बंदा बता रहा था कि उस दिन नॉर्मल फालन हुआ और फालन में मेरे साथ नॉर्मल गाड़ी ग्लोच की तरह वो हर साइड से सोच रहा था कब ये फंसे, लेकिन बोले मैंने फिर भी इग्नोर करता रहा और उस दिन मेरे को सीओ साहब, मतलब बाकी कंपनी अलग है, मेरे को अकेले को बोला सीओ का लोन है उसके आगे घास निकाल, तो मैं घास निकालता रहा। तो आधा घंटा 15 मिनट बाद जब बीच में पानी पीने चला गया तो बात वहां से शुरू कर दी कि उसने तू वहां, मतलब काफी देर का गया हुआ है और तू घास नहीं उखाड़ रहा, तू वहां नहीं है। तो उसने बोला सर मैं तो उखाड़ रहा था, तो वो बात आकर उन्होंने रोल कॉल में बोली कि तू वहां घास क्यों नहीं उखाड़ रहा था। तो एक तो इस पॉइंट को पकड़ लिया कि तू वहां से जो तेरी ड्यूटी थी वो किया नहीं तूने, इसलिए बड़ा पैक लगाएगा, पहली पॉइंट तो ये। तो बोला सब आप मेरे को बड़ा पैक का आदेश दे रहे हो जबकि पूरी कंपनी वहां थी, मेरे को स्पेशल भेजा था और जब भी मैं पूरे दिन भर घास मैंने निकाली है, बीच में मैं पानी और चाय जो भी मेरा टी ब्रेक था वो करने में गया था। तो उस दिन तो कहकर उसको छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन जब एक आरपी की ड्यूटी में वो लग रहा था तो वहां क्या ड्यूटी रजिस्टर में आने जाने वालों की एंट्री होती है, उसने फर्स्ट क्लास की। उसके बाद उसको फिर बोला कि तूने रेशियो साहब को क्यों नहीं बताया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बोले साहब मेरे तो गेट में, बोले मेरे को पर्सनल तूने फोन करना था, व्हाट्सअप करना था हर एक चीज का डिटेल। तो बंदे ने बोल दिया कि सर आपको पर्सनली करना आना था, या तो मोटरोला सेट दीजिए या मुझे सरकारी फोन दो, मैं आपको बताता रहूंगा, मैं मेरे पर्सनल फोन से क्यों बताऊंगा, आपको सरकारी ड्यूटी चाहिए तो फिर सरकारी को रखवा दो। इस बात से कि आपने जेसियो से जवान लड़ाई है, रोल काल में उसको जाकर फिर काली गलौज की, सीएचएम ने भी कहा कि भाई ये गलत है, फलाना टिकड़ा और तू कल बड़ा पैक लगाएगा। सुबह उसको फास्ट फूड में बोल दिया गया बड़ा पैक लगा खा जा। तो उस बंदे ने बोला सर ऐसे नहीं है, आप मेरे को कल भी फालतू में वहां फंसा के कर रहे थे बड़ा पैक लगा ले, मैं क्यों लगाऊंगा छोटी सी गलती में। सीनियर जयशो साहब ने बोला नहीं मानता है तो 8 बजे ऑफिस में बड़ा पैक लगा कहा जाना। वो बंदा वर्दी पहन के आ गया, बोले भाई बड़ा पैक तो मैं सीओ साहब से मेरे को मिला दो, मैं वहां सारी कहानी बताकर फिर ही लगाऊंगा। जब वो खाली गए तो उन्होंने कह दिया जा भाई वर्दी पहनकर आ जा, आज तेरा मैं 4 सीटी करा देते हैं। यहां मैं आपको बड़े पैक की भी थोड़ी साहब की एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, या फिर अलग से एक सुनाऊंगा कि जो बड़ा पैक मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि बड़ा पैक का आदेश ओनली फॉर सीओ साहब ही कर सकते हैं। सीनियर जेसीओ या कोई भी है कंपनी कमांडर अर्जुडेंट नहीं कर सकता। अर्जुडेंट और कंपनी कमांडर की ड्यूटी में अगर सीओ ने उनको ऑथराइज किया है, सीओ के पास जो पावर है अगर उसने रेजिमेंट में उसका ऑलरेडी बाकायदा पार्ट 1 होता है कि भाई हम जैसे अर्जुडेंट की ड्यूटी करते हैं खासकर उनको दंडपाल महोदय कहा जाता है, तो उन्हें कुछ पावर दी जाती है, कंपनी कमांडरों को दी जाती है। अगर वो पावर उनको दी गई है तभी वो बड़ा पैक का आदेश दे सकते हैं, और फिर उसमें भी वो सिर्फ पैक 08 होता है। जैसे मैंने एक दिन बताया था ना कि अर्जुन ने हवलदार को बोला बड़ा पैक लगा कहा जा, तो ये नहीं है कि वो बात मैंने उस दिन भी कही थी कि बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ तो पंसारी बन बैठा, क्योंकि उसको बोला कि मेरे को तो ऑथराइज है, मेरे को दिया हुआ है सीओ साहब ने दंडपाल का, लेकिन सीओ साहब ने दिया उसका मतलब ये नहीं कि तुम हवलदार को बोल दो कि वो मिट्टी भर के आ जा। मिट्टी भरने का आदेश किसी के पास नहीं है, सीओ के पास भी नहीं है, और आपका जनरल साहब भी नहीं दे सकता कि 48 किलो मिट्टी भरकर इसके घुटने रगड़ दो, जो कि हमारी आर्मी में होता है। वो मैंने बताया था आपको, विशेष परिस्थितियों में अगर कोई हार्ड कोर कैदी अपराधी अगर कोई सजा काट रहा हो, वो भी उसकी ड्रिल होती है कि किस समय से किस समय तक लगाएगा। बाकी नॉर्मल पैक 08 होता है जिसमें आपकी वही कच्ची मच्छरदानी दरी है, वही 8 किलो पैक 08 मतलब 8 kg वेट होता है, जो कि आपने कभी किसी अफसर को देखा होगा, उनको भी लगता है, लेकिन वो अपनी इज्जत और उसको बचाने के लिए वो सिर्फ सिविल बैग टाक लेते हैं पीछे। कई बार देखा होगा ना कोई
गर्मी में भी सी उल्टा बैग टाक कर घूम रहा है कोई लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब या किसी को मिल गया तो वो पनिशमेंट ही होती है, और वो पनिशमेंट वो सिविल बैग में टाकते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि जवान को पैक 08 भी लगा ले, मिट्टी भर दे, घुटने छील दे, जो कि किसी को उतराइज नहीं है। फिर भी इसे बोला गया इसने सीओ को, बस बोले मिला तो मैं साहब ऐसे नहीं करूंगा, मेरी कोई गलती नहीं, आप तो रोज मेरे को ऐसे बोलते रहते हो। सीओ के पास गया तो सीओ के पहले कान भर रखे थे, जाके सीओ को कहानी सुननी चाहिए थी, लेकिन सीओ ने ऑफिस में मतलब पहुंचते ही बोला जो सीनियर जैसे उन्होंने क्या बोला, बोले बड़ा पैक, बोले बड़ा पैक लगा लिया। अब जवान क्या करे बेचारा, ठीक है इसने बड़ा पैक लाया अपना लगा लिया, तो वही मिट्टी भर के रख फलाना निकटा, फिर भी इसने सब कुछ भर लिया और उसको खड़ा रखा। जब खड़ा रखा और जब टाइम हुआ कि भाई अब टाइम हो रहा है सीओ साहब जाने वाला, साहब आप मेरे को मिलाओ, आपने मेरे का आदेश का आपने फॉलो कर दिया, मेरे को मिलाओ, क्योंकि उसका भी तो कोई राइट है ना। उसको बोला ठीक है मिलाएंगे, सीओ साहब के पास एक दो बार जाने की कोशिश किया, उसने बोला गेट आउट अभी टाइम नहीं है, गेट आउट अभी टाइम नहीं है, मतलब मकसद था उसे टॉर्चर करना। और कहानी हमारे जेसीओ साहब, एक तरफ मैंने कई बार कहा कि हम लड़ रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन हमारे भी कुछ जेसीओ साहब कुछ सुधार मेजर बन जाते हैं, उनके अंदर भी बू आ जाती है, कुछ तो ये कहते हैं कि मैंने की है, हमने भी तो बूट पॉलिश किया, हमने भी तो अफसरों के कुत्ते घुमाए, हमने भी उस समय जेसीओ साहब की सेवा की है तो हमारी भी करना चाहिए। तो जरूरी नहीं, मैंने एक डायलॉग पहले भी मारा था और कुछ माता बहनें देख रही होंगी तो उनको मैं कहता हूँ माफ करना मेरे को, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने मरवाई है तो ये भी मरवाए। ठीक है श्रीमान, बंदा कह रहा है कि मैं ग्राउंड में कंप्यूटर क्वालिफाइड, ट्रेड वर्क क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा सब कुछ हूं, मैंने कहा था कि वो वॉलंटियर है तो उनको ले लो, आप मेरे को क्यों कर रहे हो, मतलब वो खुंदक थी उससे। जेसीओ साहब को भी अगर सहायक चाहिए, उनको भी रूम सफाई के लिए फलाना ढिकड़ा चाहिए, तो वो बहुत बड़ी गलत बात है, फिर हम इनसे क्या लड़ेंगे। या फिर मैंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जब मैंने पहले भी 3 दिन धरना दिया था कोर्ट केस में ले गया था, विपिन रावत जी से हमारी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सिविल 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे और ये सिविल सहायक की स्कीम जय अग्निवीर, लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए या उनको करवा दिया गया और फिर ये सब पे अग्निवीर थोप दी गई, होमगार्ड से भी कम सैलरी, छुट्टियों का सब चीज का हाल खराब है, लेकिन वहां भी लोग बोलते नहीं। फिर मेरे पास भी कई करते हैं कि सर ये नए बच्चे काम नहीं करते, मैं तो उनको सीधा कहता हूँ काम क्यों करेगा भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बराबर काम कराना चाहते हो और तुम सैलरी क्या ले रहे हो और उनको क्या मिल रही, तुम उसके लिए बोलते हो क्या? कभी किसी सीओ ने या किसी भी सीनियर जेसीओ एसएम ने चिट्ठी लिखी आर्मी हेडक्वार्टर में कि हम भेदभाव हो रहा है इनको, सर हम कैसे हम इस तरह की ड्यूटी करवाएंगे? तो आगे ये जैसे मैं उस जवान की कहानी बता रहा था कि वो करता रहा, 2 बज गए सीओ साहब से नहीं मिलाया, वही सीओ साहब भी जब भी जाए उसको गेट आउट कर दे, 2 बजे जैसे सीओ साहब उठकर चले गए तो उस जवान ने भी बड़ा पैक उतार कर रख दिया कि भाई अब सीओ साहब आएंगे तो मैं शाम को बात करूंगा। तो उसको 2 बजे बोला गया कि जा खाना खा के 5 बजे फिर आ जाना बड़ा पैक लगा के। 5 बजे वो बिना बड़ा पैक में आ गया, बोले भाई पहले मेरे को मिलाओ, मैंने ऑर्डर फॉलो कर दिया, अब मैं ले गाऊंगा। तो उसको बोला कि ठीक है तू जा और कल तेरी 4 सीट है वर्दी में आ जाना। बंदे को पता ही नहीं, बोले ठीक है भाई 4 सीट ही सही इतना तंगी से। सुबह आ गया, मार्चअप कर दिया गया और मार्चअप करते ही उसको सीओ साहब को ने बोला कि भाई आपको 14 दिन का फाइन दिया जाता है। बोले साहब क्यों, मेरी क्या गलती है? बोले आप कल आपकी आरपी थी और आप गए नहीं। बोले सर मेरी तो आरपी क्या थी, मैं 2 बजे तक तो यहाँ बैठा था, इन्होंने 5 बजे बुलाया था, मेरी तो आरपी थी नहीं, बोर्ड में आप चेक कर लो, दूसरों की ड्यूटी थी। तो सीनियर जैसे बोला भाई, वो जैसे साहब को बुलाया, सीएचएम को बुलाया, बोले हाँ भाई बताओ, मतलब गवाह सीनियर जैसे ने वही नाम नंबर फलाना निगड़ा, साहब मैंने इसको 2 बजे जब ये ऑफिस से जा रहा था उस समय जो बंदा दूसरा आरपी था उसको मैंने कहीं और भेजना था, इसलिए मैंने इसको बोला कि तू आरपी चला जा, रही गया नहीं, मैंने वर्बली इसको बताया था। और उधर जो सीएचएम साहब हैं बोले हाँ जी हाँ सर हाँ सर, मतलब उन्होंने पता भी नहीं कहानी, लेकिन हाँ सर हाँ सर। और इस तरह करके बंदा बोले मैं साइन नहीं करूंगा, बोले भाई आप लोग 2 साइन कर दो, और एक और किसी को बुला के साइन करवा दिया, उसी निर्देश ने कर दिया, एक अफसर को किसी को भी आदेश मिला उसने कर दिया, और इस तरह उसकी 14 दिन पे फाइन होगी। पे फाइन होते ही बंदा बोले जाओ बाहर, पे फाइन होते बंदा बोले ठीक है सर, वहां से आ गया उसने अपना, बोले ठीक है मैं लेटर लिखूंगा जेओसी वगैरह के पास, सर जो भी कार्रवाई मैं करूंगा। तो उसको तुरंत ही बोला कि भाई ये और कुछ करेगा इससे पहले इसको फॉरवर्ड में टेक दो, उठाकर पोस्ट से उठाकर उसको दूसरी दूर वहां से भेज दिया गया जहां नेटवर्क भी काम नहीं करता। 2 महीने लगभग उसको वहां हो गए और 2 महीने बाद
जब वो बात कर रहा है अपने सीएचएम से, सीनियर जेसीओ से, वहां से कि साहब मुझे बताओ कि मेरे को किस चीज की सजा दी गई है। आज किसी से घूम फिर कर ये चीजें मेरे पास आई, बोला सर ये लीगल है कि अनलीगल है, तो मैंने शुरू में बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम जो पनिशमेंट होती है, यहां सीओ साहब ने मैक्सिमम क्राइटेरिया जो यूज किया है जो गलत है, बिना किसी उसी, हालांकि अभी वो बोल रहा है कि मैंने सीओ साहब से भी बात की है, उनके पिताजी से भी बात करवाई, औरों से भी, तो सीओ साहब कह रहे हैं कि ठीक है मैं सोचूंगा। तो या तो सीओ साहब सोच लेते हैं, हालांकि बहुत से हमारे लोग लिखते भी हैं जेसीओ के बारे में, फलाना ढिगड़ा हो, मैं कई बार बताता भी हूँ कि भाई हमारे फादर भी जेसीओ साहब रिटायर्ड हैं, मेरे परिवार में 27 जेसीओ हैं, जो कुछ रिटायर्ड भी हैं, कुछ अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं, एनसीओ भी हैं, जवान भी हैं और अधिकारी भी हैं मेरे करीबी परिवार में, रिलेटिव में, और मैं कई जगह से सलाह लेकर फिर इन चीजों को बनाता हूँ कि ये हाल है। तो वो खुद कई बार बोलते हैं यार साला सीओ भी पागल है। तो श्रीमान जी आपको कोई पागल नहीं बोले, अगर आप के पास समय है तो उसकी पनिशमेंट को रद्द कर देंगे, जो कि हो सकता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी रखी हुई, ऐसे किसी जवान को सजा दी गई थी, बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था, बाद में जवान ने बोला कि सर वो वीडियो सीओ साहब के पास पहुंच गया, पहले तो उसको डांटा फटकारा क्यों बताया फलाना, अरे क्यों नहीं बताएगा, एक जवान का 20,000 रुपए कट रहा है, बताएगा भी वो, या नहीं बताया तो उसके पास रास्ता है कि वो पहले लेटर लिखे, नहीं तो कोर्ट में जाए, लेकिन कोर्ट में वहां 20,000 के लिए उसको 30-40 हजार वकील को देने पड़े। तो इसलिए हमारा तरीका है कि जिसमें ठीक है जवान का पैसा भी नहीं जाए, आप तक बात भी पहुंच जाए, अगर आपके खोपड़े में अगर बात आ जाए तो आप उसको साइन लीगल राइट से कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये होता है। बहुत से लोग कहते हैं सीओ ने दे दी, सीओ की कलम में ताकत है, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, जिस तरह उसकी कलम लिखी जाती है कि भाई आपने ये सजा की एक्ट आर्मी एक्ट 63 के तहत ऑर्डर डिसोबे, और मैं आपको 14 दिन का पे फाइन देता हूं, तो उसी तरह वो दोबारा कलम चल सकती है कि भाई उस समय जो चीजें थी उसके बाद में दोबारा उसका रिव्यू डाला। रिव्यू का मैंने बता दिया कि जवान स्टेट्यूटरी कंप्लेंट होती है, एक नॉन स्टेट्यूटरी और एक स्टेट्यूटरी कंप्लेंट, जो कि आप सीओ को भी दे सकते हैं पहली एप्लीकेशन की, साहब आप इस सजा पर एक बार दोबारा पुनः विचार करें, तो उस कर आप दोबारा विचार करके आप कह सकते हैं कि एक बार दोबारा इस सजा पर विचार किया गया जिसमें ये कमियां पाई गई, और इसलिए हम इस जवान की सजा को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके रिकॉर्ड में भेजे, वो पैसा वापिस जवान को मिल सकता है। नियम ये कहता है, जिन लोगों को नियम पता नहीं, जो कानून की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनको कानून पता नहीं, या जो भगवान ही मानकर बैठे हैं, तो उन भगवानों के पास दोनों चीजों की पावर है, वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो फिर रविंद्र भोजी अगले वीडियो में अपनी पावर का इस्तेमाल क्या करेगा। क्योंकि मेरे पास तो पावर यही है कि जवान का जो कट गया या तो कोर्ट के थ्रू, या फिर पब्लिकली आपको पब्लिक इतने जूते मारे कि आपके जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी गंजे हो जाए, और आपके भविष्य में करने से पहले 4 वर्ष सोचो, और आपको खुद वैसे तो शर्म आनी चाहिए, खुद आप इस चीज को सजा कैंसिल करें, तो कोई बड़ी चीज नहीं, गलती उन लोगों के कान भरने से आपने की है, आप उन लोगों को भी डांट सकते हैं और इस सजा को वापिस भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम सजा में इस तरह की, सिर्फ आरटी ड्यूटी में अगर आपको लगता भी है वो जवान, कहानी ये है उसकी, लेकिन फिर भी लगता है कि एक जवान अगर आरटी ड्यूटी पर नहीं गया, जबकि उसकी बोर्ड में ड्यूटी नहीं थी, वैसे कोई जवान नहीं कि लगाने के बाद नहीं जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारणोंवश ही नहीं जाता है, कहीं दिक्कतें आती है, तो अगर फिर भी उसको आपको लगता है कि नहीं गया, उसको देनी चाहिए सजा, तो सजा का तरीका है, आप उसको वार्निंग लेटर, आप उसको डांट फटकार सकते हैं, वार्निंग लेटर दे सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी दे सकते हैं, बीपीडी दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली 20,000 का लॉस आपने जो किया है वो गलत है। आप लोगों को वीडियो सही लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल आपका है, चैनल से जुड़े, आप हमारी ताकत बढ़ाओगे, क्योंकि हमारे पास यही पब्लिक की ताकत है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप भी, जय हिंद सर, हम आपके साथ हैं, जोड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन देख कर सो जाते हैं, यहां तक पहुंचते हैं बहुत कम है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।